जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। और आपका सपना है दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया है कि दिसंबर 2023 में तो हर हाल में जेआरएफ लेकर रहेंगे, हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। लगभग 15 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन ये जो 15 मिनट है आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का उसका पूरा करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो कंडीशनों के बारे में। पहली कंडीशन तो ये कि यदि आप फ्रेशर हो, मतलब दिसंबर 2023 का एग्जाम आप पहली बार दे रहे हो, आपने अभी तक कभी यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया, आप पहली बार दिसंबर 2023 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो और आपका सपना है कि मेरे को तो पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। दूसरी कंडीशन, आपने एक दो बार एग्जाम दे लिया है लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है वो नहीं पूरा हो पा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर कर लोगे, आपका सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो रहा है लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना होने की वजह से आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, आप फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो कि यार सब्जेक्ट में तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे लेकिन फर्स्ट पेपर का क्या करें, इसमें हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। तो आप यहां पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़े, ऐसी किस रणनीति को फॉलो करें, ऐसा क्या कंटेंट पढ़े ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो, जिससे कि हमारा दिसंबर 2023 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यहां पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की एक शानदार वाली रणनीति के बारे में। यदि आप इस रणनीति से तैयारी करोगे तो आप हर हाल में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लोगे। अब मैं आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, जो ग्रुप से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था इसके लिए भी हमारे यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर का बैच चला था। हमारे नेट के फर्स्ट पेपर के बैच का बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहा था, जो बिल्कुल आपके सामने है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के हमारे टोटल 4 बैच थे, एक में 290 कैंडिडेट, एक में 310, एक में 140 और एक में 150। यदि हम बात करें यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बैच के टॉपर्स के बारे में, हमारे बैच के टॉपर्स के बारे में बात करें तो स्वाति थी जिनके 100 में से फर्स्ट पेपर में 90 नंबर आए थे, हितेश के 88 नंबर थे, निश्ता के 88 नंबर थे, विजय के 86 नंबर थे, रोमन के 86 थे, जतिन के 86 थे और रीना नागर के 86 थे। तो ये हमारे बैच के टॉपर्स हैं, जहाँ से आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से कितना शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता होगा कि इतना गजब का स्कोर हो रहा है। हमारे बैच में 86 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेट 7 थे, 84 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 4 थे, 82 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 6 थे, 80 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 7 थे और 70 प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 200 प्लस थी। हिंदी माध्यम से सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप हिंदी मीडियम से हो और आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में आप 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी वगैरह करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हम ऐसी किस रणनीति को फॉलो करें, हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो पाए। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है इसके लिए हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर गारंटी किस बात की ली जा रही है, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर गारंटी ली जा रही है बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। यहाँ पर गारंटी ली जा रही है कि यदि आप हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो बैच से
एग्जाम में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, यदि आप हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच को ज्वाइन करते हो और इस गारंटी बैच में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं उस कंटेंट को आप पढ़ते हो, तो उस कंटेंट से प्यारे साथियों एग्जाम में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। यदि हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट से एग्जाम में 40 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपकी फीस रिटर्न की जाएगी। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर इस गारंटी बैच में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गारंटी ली जा रही है। अब हमें 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करना है, हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमें 100% इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, दूसरा में बहुत ही बेस्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ोगे वो बिल्कुल पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर पैटर्न है, पेपर लेवल है, वो हर बार बदलता जा रहा है। तो हम यहाँ पर अभी जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था बिल्कुल इसी के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था इसमें पेपर फर्स्ट का पेपर पैटर्न क्या था और पेपर लेवल क्या था, ताकि हम दिसंबर 2023 में इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और बहुत ही गजब का स्कोर ला पाए। देखो, लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन, आईसीटी से 5 क्वेश्चन, ईवीएस से 5 क्वेश्चन। ये एवरेज है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के टोटल 18 पेपर हुए थे, तो ये एक एवरेज है 18 के 18 पेपरों का। हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन थे, आरसी से 5 क्वेश्चन, डीआई से 5 क्वेश्चन, मैथ के 2-3 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के 1 से लेकर 3 के बीच में क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चल चुका होगा, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी यूनिट है जिनको हमें बहुत ज़्यादा बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन सी यूनिट है जिनको हमें थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। पेपर पैटर्न से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में कि पेपर लेवल क्या था। देखो, आजकल जो पेपर का लेवल है बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का आने लग गया, क्वेश्चन लेंथी आने लग गए, लंबे क्वेश्चन आने लग गए, क्वेश्चनों के बीच में बहुत ही डिफिकल्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है, हम उन शब्दों का सही ढंग से अर्थ नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। बहुत ही डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन लैंग्वेज को उपयोग किया जाता है। तो जो फिलहाल का पेपर लेवल है, क्वेश्चन बहुत लंबे आते हैं, डिफिकल्ट कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है और बहुत ही डिफिकल्ट कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चनों की लैंग्वेज होती है। तो ये तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्वेश्चन लंबे आते हैं, डिफिकल्ट शब्दों का उपयोग होता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को समझ नहीं कर पाते, क्वेश्चन के अर्थ को नहीं समझ पाते, क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों को बिल्कुल 100% तरीके से फॉलो किया जाएगा। हमारा यहाँ पर पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के ऊपर बिल्कुल 100% फोकस रहने वाला है। यहाँ पर हर एक छोटे छोटे कीवर्ड का बहुत ही डिटेल से अर्थ बताया जाएगा, उस कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। पेपर के लेवल और पेपर की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में टाइम ना लगे, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सको। तो यहाँ पर पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रणनीति के बारे में कि हम किस रणनीति से यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे। हमने जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस की जो 10 यूनिट थी, इनको हमने 3 सेशन में डिवाइड किया। सेशन ए, जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन को शामिल किया, जहाँ से लगभग 21 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमें समझने की ज़्यादा जरूरत होती है, रटने की कम। यदि हमने इन 4 यूनिटों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, मैथ, डीआई और आरसी, ये प्रैक्टिक्स वाला पोर्शन है। यदि हमने इस वाले पोर्शन की सही ढंग से प्रैक्टिक्स कर ली, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिक्स कर ली,
तो यहाँ पर हम बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद ICT, EVS, हायर एजुकेशन और करंट अफेयर, ये याद करने वाला पोर्शन है जहाँ से लगभग 14 से 17 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोर्शन है जहाँ पर हमें समझने की ज़्यादा जरूरत है, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पोर्शन है जहाँ पर प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है और कौन सा पोर्शन है जिसे याद करने की ज़्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर हम टारगेट लेकर चलेंगे कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ हम 16 से 17 क्वेश्चन ठीक कर दें कम से कम। जो याद करने वाला पोर्शन है जहाँ से 14 से 17 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें इस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ पर हम 11 से 12 कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन ठीक करते हैं। और जो रीजनिंग, मैथ, DI, RC वाला पोर्शन है, इसे हमें इस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ पर हम कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन ठीक करें। और यदि हम इस तरीके से क्वेश्चनों को ठीक करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल स्कोर है वो 40 प्लस क्वेश्चनों का हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। और यदि आपका मैथ सही है तो आप मैथ वाला ये जो पोर्शन है, प्रैक्टिस वाला पोर्शन, यहाँ पर बिल्कुल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पर प्यारे साथियों, आपको बहुत ही बेस्ट वाला कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको वो समस्त कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकें। यहाँ पर प्यारे साथियों, आपको स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट क्या होता है और स्मार्ट कंटेंट क्या होता है, मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ। ऐसा कंटेंट जहाँ पर हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहाँ पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो, ठीक है। तो यहां पर हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट होगा, हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहां पर हमारा फोकस है अभी फिलहाल एग्जाम क्वालिफाई करने पर, JRF क्वालिफाई करने पर, बहुत अच्छा स्कोर लाने पर, ज्ञान बढ़ाने पर किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। यदि आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म आपके लिए कतई उचित नहीं है। और यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए द बेस्ट है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और DI, इसके ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। मैथ, रीजनिंग, DI चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बहुत ही सही ढंग से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। मैथ, रीजनिंग, DI के हर एक क्वेश्चन को तीन तरीकों से करवाया जाएगा, एक मैथमेटिकल तरीका, एक ट्रिक और एक देसी तरीका, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को 100% ठीक कर सके। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, बाहर से एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से PDF पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो समस्त कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है केवल JRF क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना हमारा कोई टारगेट नहीं है। सबसे स्पेशल बात, आपको 24x7 मेरे खुद के द्वारा 100% तरीके से गाइड किया जाएगा। कोई भी कंफ्यूज हो, कोई भी डाउट हो, कभी भी कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो, हर टाइम आपकी हेल्प की जाएगी। कभी भी किसी असिस्टेंट से बात नहीं होगी, ऑलवेज आपकी मेरी खुद से बात होगी, ठीक है। तो ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, जो 24x7 आपके लिए है, आपको हर एक तरीके से बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, जो कि बिल्कुल नॉमिनल है। यदि आप दिसंबर 2023 में JRF के टारगेट के साथ तैयारी करो और आप चाहते हो दिसंबर 2023 के लिए बैच लेना, तो इसका चार्ज केवल 1500 रुपये। और यदि आप पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इसका चार्ज पूरा 2000 रुपये। अब दोनों में अंतर, दिसंबर वाला बैच केवल दिसंबर तक रहेगा, जो एक साल वाला बैच है इसकी वैलिडिटी एक साल तक रहेगी, जिसमें आपका टोटली दो बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जा, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले और दूसरी बार जून वाले एग्जाम से पहले। तो यदि आप फर्स्ट पेपर का एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपका दो बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, दो बार रिवीजन करवाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल, एग्जाम लेवल तक सारे सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब यदि आप इंटरेस्टेड हो बैच लेने के लिए तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कमेंट मत करो कि सर हमें बैच लेना है क्या करें, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, वहां पर मेरे से चैट करो, डायरेक्टली कॉल करो।
जो भी आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर करो, फिर आपको लगे कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, इस प्लेटफॉर्म से हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपना जो जेरप क्वालिफाई करने का सपना है बहुत गजब के मार्क्स के साथ वो पूरा कर सकते हैं, आपको हमारे ऊपर विश्वास लगे, हमारा तरीका ठीक लगे, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी तरीके से फोर्स नहीं किया जा रहा, आपका कैरियर आपकी लाइफ का सवाल है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें वो सोच कर समझ कर करें, और जो भी डाउट है जो भी कंफ्यूज है वो सभी क्लियर करें, उसके बाद बैच ज्वाइन करें। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ प्यारे साथियों, बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको पछतावा कतई नहीं होगा कि हमने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपको प्राउड ही फील होगा कि हमने उस दिन वीडियो देखा और वो बैच ज्वाइन किया जिसकी वजह से हमारा ये जेरप क्वालिफाई हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।